किराए के मकान में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। एक कार, दो बाइक सहित अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद। पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े जाने वालों में तीन प्रतापगढ़ और एक प्रयागराज का रहने वाला है। असलहे बनाकर बेचने का करते थे कारोबार। नगर कोतवाली के गभरिया स्थित बहादुरपुर रोड पर चल रही थी फैक्ट्री। अंतर जनपदीय चार असलहा तस्कर को एसटीएफ ने पकड़ा। अवैध असलों का जखीरा बरामद। प्रतापगढ़ व प्रयागराज के अवैध असलहा तस्करों को एसटीएफ व कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों तस्कर अब तक यूपी भर में 100 से अधिक अवैध असलहा सप्लाई कर चुके हैं। सुल्तानपुर के एक किराए के कमरे में इन्होंने फैक्ट्री डाल रखा था। इनके पास से 50 से अधिक अवैध असलों के अलावा असलाह बनाने वाले उपकरण, मोबाइल, कैश व गाड़ी बरामद हुई है। थाना कोतवाली नगर में कल शाम को एक गैंग का पता चला था, जो कि असलाह की सप्लाई करता था, बनाता था और सप्लाई करता था। इसमें पुलिस और जो ये टीम एसटीएफ की है, इनको सूचना मिली थी, इनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें चार अभियुक्त पकड़े गए और इनके पास से असलाह बनाने के काफ़ी बने हुए असलहे और बनाने के हथियार और औजार जो होते हैं, ये मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार बरामद हुई है। और ये काफ़ी एक बड़ी सफलता है पुलिस की कि त्यौहार के जस्ट पहले ये कितना बड़ा असलहा फैक्ट्री का इनके द्वारा बरामद की गई है। सर, ये पकड़े गए जो युवक हैं, ये कहाँ के? ये जो पकड़े गए हैं, इसमें तीन प्रतापगढ़ के, एक प्रयागराज का है और ये यहाँ पे गबड़िया के पास एक मकान को किराए पे लेके रहते थे और यहीं पे ये निर्माण करते थे इसका। क्या पहले भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? इसमें जो दो अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास है। इसमें एक पौनेश जो है, जो प्रयागराज का है, ये इसके पास इस पर करीब 15 मुकदमे हैं और दूसरा एक सवालीन है जो उसके, उस पर भी दो अपराध है।